रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश। बहुत सारा वीडियो इस बीच में बना, भैरव बाबा का कहना है भाई हम पे भी वीडियो बनाओ, तो लो आ गए भैरव बाबा के लिए वीडियो लेकर। भैरव एक ऐसे देव हैं जो कि कलयुग में विचरते हैं। कलयुग में मैंने पहले भी बोला है कि जो देवता पहले रह चुके हैं दूसरे कालखंडों में, और जो कलयुग के देवता हैं वो अलग हैं। मतलब देवता वही हैं लेकिन उनका रूप अलग है, प्रारूप अलग है, स्वभाव अलग है, खान पान अलग है। तो आप इस काल के देवता का जब पूजा करते हैं तो आपको लाभ ज़्यादा और जल्दी मिलता है। तो हमारे इस काल के जो देवता हैं उसमें एक है काल भैरव। काल भैरव आप सभी जानते हैं कि महादेव के रूप है। इन्होंने ब्रह्मा का सर काटा था क्योंकि ब्रह्मा अपने को महादेव से बड़ा बता रहे थे, और फिर ब्रह्म हत्या के आरोप में ये आजीवन घूमते रहे और अंत में आकर के इन्होंने भिक्षाटन किया, और भिक्षाटन करके फिर बनारस में बैठे तो बनारस के कोतवाल कहलाए। आज मैं आपको माँ भगवती के सुपुत्र भी कहे जाते हैं, कालीपुत्र, काल प्रचंड भयुग रूप ना है तो माँ का दूध विसारा। तो काल भैरव जी का जो बीज मंत्र है वो एक अक्षरी है, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए भैरव जी का अगर आप एकाक्षरी करना चाह रहे हैं तो इसमें एकाक्षरी जो मंत्र होता है वो साबर से अलग होता है। ठीक, तो कायदा ये है कि अगर आपको एकाक्षरी मंत्र करना है तो आजीवन में उसका 24 लाख जाप होना चाहिए एक अक्षर का। किसी भी संस्कृत का अगर एक बीज आप लेते हैं तो एक अक्षर ये तो 24 लाख उसका जाप होगा, द्वैक्षरी ये तो 48 लाख, ऐसे ही करके अलग अलग मंत्रों के जितने अक्षर होंगे उतना लाख उसका जाप होता है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि भैरव जी का जो बीज मंत्र है वो एक अक्षर ही है, तो इसको पूरे जीवन में आपको 1 लाख जाप करना है, सॉरी 1 लाख बोल रहा हूँ मैं, 24 लाख जाप करना है। लेकिन जब आप पहली बार सिद्ध कर रहे हैं इसको और आपको इसकी शक्ति का अंदाज़ा लगाना है या फिर इसको आगे तंत्र प्रयोग करना है तो पहले बार में इसको 4 लाख जाप करना। देखिए एकाक्षरी मंत्र को 4 लाख जाप करना बहुत बड़ा, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बहुत मेहनत का कार्य नहीं है। तो इस मंत्र को सिद्ध कैसे करते हैं? सबसे पहले तो भैरव जी की एक तस्वीर रखें आप अपने पास, या अगर आपके पास मूर्ति है या फिर आपने मंदिर स्थापित करके रखा है तो उसको रखें। चमेली का तेल रखें, चमेली का इत्र रखें, सरसों का तेल रखें, गूगल का धूप रखें। ठीक है, इतना सामान आपको लगेगा। पहले दिन आप संकल्प कर ले भैरव बाबा के सामने कि मैं अगले 21 दिन में या 11 दिन में, ये आप पे है कि आप कितना समय साधना को दे सकते हैं, इतने दिनों में बीज मंत्र का 4 लाख जाप करूंगा। मेरी माने तो अगर आप चलते फिरते भी करना चाहते हैं तो उसको 21 दिन का लेना चाहिए, 11 दिन थोड़ा साधकों के लिए होता है 11 दिन में भी, लेकिन 4 लाख मंत्र इसका किया जा सकता है। तो जो 21 दिन होगा, 21 दिन रोज बाबा को आप भोग दें। ठीक है, भोग में बाबा को कोई मिठाई विठाई तो उतना चढ़ता ही नहीं है, ये इमरतियाँ चढ़ती हैं या जलेबियाँ चढ़ती हैं, इसके अलावा दही बड़ा चढ़ता है, खिचड़ी चढ़ता है, पापड़ बाबा को बहुत पसंद है, तो इस तरह का जो डेली यूज़ का जो खाते हैं वही सब बाबा को चढ़ता है। इसके अलावा कारण चढ़ाएँ, शराब चढ़ाएँ बाबा को, या फिर शराब अगर नहीं पीते हैं वैष्णवी हैं तो गुड़ का पानी पिलाएँ, मतलब लेकिन कुछ ज़रूर साथ में दें, चाहे शरबत दें आप गुड़ का या कारण दें वो ज़रूर दें। उसके बाद आप जिस क्षण से आपने ये प्रतिज्ञा लिया कि आप एकाक्षरी मंत्र का 4 लाख जाप करेंगे उस क्षण से दिया नहीं बुझना चाहिए, 2 दिया रखेंगे आप, एक लेफ्ट में एक राइट में। लेफ्ट में जो दिया रखेंगे उसमें, मतलब आपके लेफ्ट में जो दिया रहेगा उसमें सरसों तेल का अखंड दिया जलेगा, और जो आपके राइट में रहेगा मतलब बाबा के लेफ्ट में रहेगा उसमें चमेली के तेल का अखंड दिया जलेगा। ठीक है,
अगरबत्ती वगैरबत्ती नहीं जलाइएगा, सिर्फ जब आप पूजा करिएगा उस समय गूगल जो कहते हैं, आप हर जगह अलग अलग कहते हैं, हमारे बिहारी में गूगल कहते हैं, तो गूगल का आप उनको धूप दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बाबा को जो भी वस्त्र आप पहनाइएगा उसमें चमेली का तेल का इत्र लगा के रखना है, ठीक है। तो एक अक्षरी मंत्र है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, मतलब मैं एक माला इसका 20-21 सेकंड में मार देता हूँ, मतलब 1 मिनट बहुत अगर आराम से किया तो 1 मिनट में। अगर काले हकीक का माला है आपके पास तो काला हकीक का माला में इसका जाप करना चाहिए, ये बहुत उत्तम होता है। अगर काला हकीक नहीं है तो रुद्राक्ष में आप इसका जाप करें। दूसरा भैरव बाबा का जाप कोशिश करना चाहिए कि आप काला लंगोटा पहन के करें, उससे भैरव बाबा प्रसन्न होता है। तो काला लंगोट पहनिए और उसका संकल्प लीजिए। और हाँ, संकल्प में एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत लोग संकल्प लेते हैं यही स्थान और इसी समय में मैं करूँगा, इससे हानि होती है जो सांसारिक लोग हैं। आप लोग इसको ऐसा संकल्प लें कि कभी भी जहाँ भी रहूँगा मैं आपका ये जाप पूर्ण करूँगा, ठीक है। जिनको हमारे पेट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है बेसिक साधना सीखने के लिए, वो 9431188585 पर जुड़ सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपको हम जो साधना का शुरुआती आयाम है वो बताएंगे, जिसमें आसन बंधन यंत्र बनाना मंत्र बोलना ये सब आता है। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है वो 9431188585 पर ले सकते हैं, या फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें रुद्रनाथ @CM4 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। भगवान भैरव आपकी इस साधना में सहायता करें और रक्षा करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।